अभिनेता से नेता बने राजद के नेता ने तेज प्रताप यादव को भक्सुनर बता दिया है और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि वो जो होता है ना बबुआ टाइप, वो बबुआ टाइप तेज प्रताप यादव है। लगातार राजद के समीकरण में बदलाव और ए टू जेड की बात जब हो रही थी, इसी दरमियान राजद के एमएलसी प्रत्याशी ने ये दावा कर दिया। आरा से उन्होंने चुनाव लड़ा है, हम बात अनिल सम्राट की कर रहे हैं, पहले अभिनेता रहे हैं और अब राजद के नेता हैं, राजद के टिकट पर एमएलसी का चुनाव लड़े हैं लेकिन राधाचरण सेठ से हार गए हैं। उन्होंने राजद नेता तेज प्रताप यादव को बबुआ टाइप और भक्सुनर बता दिया है। लालू प्रसाद यादव को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से साहब कहा करते थे भक्सुनर होता है, वही तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं है। मामला था राजद के अंदर अंतरकलह को लेकर, ए टू जेड की राजनीति है। तेज प्रताप यादव ने पिछले दिनों अपने ही एमएलसी पर कई आरोप लगा दिए, 50 लाख का बाथरूम तक की बातें कह दी और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इंजीनियर सौरभ पैसे के दम पर एमएलसी का चुनाव जीते हैं। अब इसको लेकर अनिल सम्राट ने मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए तेज प्रताप यादव को भक्सुनर की संज्ञा दे दी। बड़ा बवाल होना तय माना जा रहा है। एक तरफ जहां तेज प्रताप यादव को लेकर जब ये चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव काफी गुस्सैल स्वभाव के हैं। अपने पार्टी के अंदर लगातार जो बातें होती हैं वो खुले मंच पर बोलते हैं। ऐसे में तेज प्रताप यादव को लेकर जब उन्होंने टिप्पणी की है, फिर बाद में उन्होंने इसका जिक्र भी किया है कि तेज प्रताप यादव जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं और जिस तरीके का एक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि उनके पास जो बुद्धि विवेक है वो कम है, लोगों के बहलावे फुसलावे में आ जाते हैं। पिछले दिनों एमएलसी के चुनाव खत्म हुए, बोचहा के चुनाव के भी परिणाम आ चुके हैं और राजद को अच्छा खासा बहुमत भी मिला है, राजद को वोट भी अच्छी खासी मिली है, जिसको लेकर चर्चा हो रही थी। तेज प्रताप यादव का पिछले दिनों जन्मदिन भी था और उनके जन्मदिन के दिन ही तेज प्रताप यादव को राजद के नेता ने भक्सुनर कर दिया। अब बड़ा सवाल यही उठता है, एक तरफ जहां तेज प्रताप यादव अपने पार्टी के अंदर बयान देने से नहीं चूकते हैं और लगातार ये बातें निकलकर सामने आती है कि जो तथ्य होते हैं, जो बातें होती हैं, तेज प्रताप यादव उन्हीं चीजों को रखते हैं, मंझे हुए राजनीतिक की तरह तेज प्रताप यादव एक्ट नहीं करते हैं, जो चीजें हैं खुलकर बोलते हैं, चाहे वो पार्टी में हो या पार्टी के बाहर हो। तेज प्रताप यादव को जब ये महसूस होता है कि पार्टी के अंदर पार्टी विरोधी गतिविधि में कुछ लोग शामिल हैं तो वो खुलकर बयान देते हैं। अब इसी क्रम में तेज प्रताप यादव को भक्सुनर और बउआ की संज्ञा दे दी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि तेज प्रताप यादव के इस एक्ट से कहीं ना कहीं राजद के नेता भी नाखुश रहते हैं, चाहे वो बात जगदानंद सिंह से शुरुआत होती हो, रघुवंश बाबू या इंजीनियर सौरभ और अब अनिल सम्राट ने इस बात का जिक्र किया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।